दोस्तों, जैसे कि किसी भी रियलिटी शो को चलाने के लिए अच्छे कंटेस्टेंट होने चाहिए, वैसे ही शो को सुपरहिट बनाने के लिए शो के जजेस भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए शो के मेकर्स की भी कोशिश होती है कि ज़्यादा पैसे खर्च कर फेमस पर्सनैलिटी को शो का जज बनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 जजेस की सूची दिखाऊंगा जिन्हें पर एपिसोड के सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं गौरव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट स्क्राइब में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सूची में पांचवें नंबर पर आते हैं विशाल ददलानी। विशाल इंडियन आइडल को कई सीजन से होस्ट करते आ रहे हैं और ये इंडियन आइडल के इस सीजन के भी जज हैं और इन्हें इंडियन आइडल के एक एपिसोड के 25 लाख दिए जाते हैं। नेक्स्ट चौथे स्थान पर हैं गीता माँ। गीता माँ सुपर डांसर 4 की जज हैं और ये सीजन 1 से ही शो को जज करती हुई आ रही हैं और सुपर डांसर में इन्हें एक एपिसोड जज करने के लिए 25 लाख दिए जाते हैं। नेक्स्ट हैं शिल्पा शेट्टी। शिल्पा अभी सुपर डांसर 4 की जज हैं और इन्हें सुपर डांसर के एक एपिसोड जज करने के 30 लाख दिए जाते हैं। आगे इस सूची में आती है नेहा कक्कर। दोस्तों, नेहा ने कई शो को जज किया हुआ है और अभी ये इंडियन आइडल के सीजन 12 की जज हैं और इन्हें इंडियन आइडल में एक एपिसोड के 30 लाख दिए जाते हैं। और इस सूची में नंबर 1 पे हैं फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। दोस्तों, माधुरी दीक्षित अभी डांस दीवाने सीजन 3 की जज हैं और इन्हें एक एपिसोड जज करने के 1 करोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे रियलिटी शोज के हाईली पेड जजेस। इनमें से आपका पसंदीदा शो कौन सा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आगे भी इंटरटेनमेंट की सभी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट स्क्राइब को।